हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु सिंह टेक। आज हम लोग ट्रेडो फाइटा के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील इज फाउंड इन द राइजोम ऑफ। एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील किसके राइजोम में पाया जाता है? तो मार्सिलिया के राइजोम में एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्टिनोस्टील किस में पाया जाता है? लाइकोपोडियम सेरेटम में एक्टिनोस्टील पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, ए स्टील विदाउट ए सेंट्रल पिथ इज कॉल्ड। ऐसा स्टील जिसके बीच में पिथ नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सही रहेगा प्रोटो स्टील। चौथा क्वेश्चन है, मिक्स्ड प्रोटो स्टील इज फाउंड इन। मिक्स टाइप प्रोटोस्टील किस में पाया जाता है? तो मिक्स टाइप प्रोटोस्टील लाइकोपोडियम में पाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, लाइकोपोडियम में स्पोरेंजिया कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ से उत्पन्न होता है? तो स्पोरोफिल। लाइकोपोडियम में स्पोरेंजिया स्पोरोफिल में उत्पन्न होता है। छठा क्वेश्चन है, लाइकोपोडियम इज कॉमनली नोन एज। लाइकोपोडियम साधारणतः जाना जाता है दूसरे नाम से, तो क्लब मास के नाम से लाइकोपोडियम जाना जाता है। अदर नेम ऑफ लाइकोपोडियम इज क्लब मास। सातवां क्वेश्चन है, सेलेजनेला इज कॉमनली नोन एज। सेलेजनेला को कॉमनली और क्या कहा जा सकता है? तो सेलेजनेला इज कॉमनली नोन एज स्पाइक मास सही रहेगा। सेलेजनेला को अदर नेम में स्पाइक मास भी कहा जाता है। ट्रेडियम इज कॉमनली नोन एज। आठवां क्वेश्चन है, ट्रेडियम इज कॉमनली नोन एज ब्रेकन फर्न। ट्रेडियम को कॉमनली ब्रेकन फर्न भी कहा जाता है। मार्सिलिया इज कॉमनली नोन एज। मार्सिलिया को साधारणतः वाटर फर्न के नाम से जाना जाता है। तो मार्सिलिया इज कॉमनली कॉल्ड एज वाटर फर्न। दसवां क्वेश्चन है, नेफ्रोलेपिस इज कॉमनली नोन एज। नेफ्रोलेपिस को कॉमनली क्या कहा जाता है? स्वार्ड फर्न। नेफ्रोलेपिस को कॉमनली साधारणतः स्वार्ड फर्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी पत्तियां तलवार की तरह होती हैं।